अनिद्रा, तनाव, उच्च रक्तचाप हृदय रोग के लिए, साथ ही पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रभावशाली और सहज उपाय है योग निद्रा। योग निद्रा कोई पुरुषार्थ नहीं है बाह्य रूप से, श्रम नहीं, अपितु गहरे विश्राम में जाने की एक प्रक्रिया है। न तो हमें ठीक से श्रम करना आता है और न ही हमें पूरा विश्राम करना आता है। योग है भीतर से हम पूर्ण शांत रहें, बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहें और समग्रता और सामंजस्य के साथ अपने स्वरूप में रह करके जीवन को जी, अपने स्वरूप में अपनी निजता में कैसे उतरा जाता है, यही उपाय है योग निद्रा। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। योग निद्रा के लिए शवासन में सीधे लेट जाते हैं, दोनों पैरों में लगभग एक फीट का फासला, दोनों हाथ जगह से थोड़ी दूरी पर, गर्दन सहज, न दाई ओर न बाई ओर, पूरा शरीर सहज। दो तीन लंबे सांस लें और छोड़ें। दो तीन लंबे गहरे श्वास लेकर के साक्षी भाव से देह को देखना, देह को शववत अनुभव करना और स्वयं को शिववत अनुभव करना, यही शवासन और शवासन का ही व्यापक रूप। शवासन जब पूरी तरह से घटित हो जाता है, यही योग निद्रा। साक्षी भाव से सबसे पहले अपने माथे को शिथिल करें। मेरा माथा सहज है, माथे में उठते हुए विचार भी सहज है, आंखें मेरी सहज है, आंखों की पुतलियां भी ना खोलें। जब हमारा मन अशांत होता है आंख तो बंद होती है लेकिन पुतलियां घूम रही होती है, आंखें भी सहज। नासिका, ओष्ठ और पूरा मुखमंडल सहज। दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखते रहे, पूरे मुखमंडल को शिथिल कर, गर्दन की शिथिल, धीरे धीरे अब नीचे की ओर आ रहे हैं, दाहिना कंधा शिथिल और
शिथिल कर दें, पूरी तरह से सहज ढीला छोड़ दें दाहिनी भुजा को, कंधे से कोहनी तक पूरी भुजा शिथिल, कोहनी भी शिथिल, कोहने के नीचे का हाथ कलाई तक शिथिल, हाथ की कलाई भी शिथिल, अंगुलियां उठे, हथेली सहित पूरा हाथ शिथिल। ऐसे ही बाएं हाथ को शिथिल कर दें, बाएं हाथ का कंधा, भुजा, कोहनी, कोहनी के नीचे का हाथ, कलाई, अंगुलियां और अंगूठे सब शिथिल, सहज तनाव। अब फेफड़ों को शिथिल कर दें, फेफड़े शिथिल, पूरा श्वसन तंत्र शिथिल, हृदय भी सहज तनाव मुक्त, और अब शिथिल छोड़ दें पेट को, नाभि को, पेट के सभी अवयवों को शिथिल छोड़ दिया, उधर के सारे ऑर्गन्स पूरी तरह से शिथिल, पेट और पेड़ भाग को शिथिल छोड़ने के बाद पूरे मेरुदंड को शिथिल छोड़ दें, गर्दन से लेकर के और कमर तक पूरा मेरुदंड शिथिल है, सहज तनाव मुक्त है। अब शिथिल छोड़ दें दाहिने पैर के कुल्ले जंघा और घुटने को, थाई बटाक्स हिप्स शिथिल, घुटने के बाद पिंडली को भी शिथिल कर दिया, टखने को, एड़ी को, पूरे पंजे को, उंगलियों को, घुटनों को शिथिल, इसी प्रकार से बाएं पैर को भी कमर से लेकर के घुटने तक और घुटने से लेकर के पिंडली को, एड़ी को, रखने अंगुलियों अंगूठों को शिथिल कर दिए। पूरा देह शिथिल है, अब श्वासों पर लौट आए, श्वास भी सहज, पंच भौतिक देह, पाणी पाद वायु उपस्थ वाक पंच कर्मेंद्रिया शिथिल है, चक्षु श्रोत्र घ्राण रसना त्वचा पंच कर्मेंद्रिया भी शिथिल, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय भी शिथिल, पंच भौतिक देह, पंच चार इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय मन भी शिथिल। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चर्म चिष्टते तमाहुः परमां गतिः। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इन्द्रियधारणाम्।
अप्रमत्त सदा भवति योगो हि सफलो भवेत्। शासो पल्लय बद्धता तम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारण अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवत्या। अशुभ का क्षय हो रहा है, शुभ का उदय हो रहा है, अपने ही स्वरूप में प्राणों के साथ ठहर जाए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ने हमें सब प्रकार की पूर्णता दी है। ज्ञान की परिपूर्णता अनुभव करें, प्रेम करुणा वात्सल्य की परिपूर्णता अनुभव करें अपने, सब प्रकार की शक्तियों और सामर्थ्य की परिपूर्णता अनुभव करें अपने। सब प्रकार की कुशलता, सब प्रकार के वैभव, सुख शांति की अनुभूति करें अपने भीतर। समस्त ब्रह्मांड की सभी प्रकार की दिव्यता प्रभु ने मुझे प्रदान की, मैं पूर्ण पूर्ण शुद्धोहम नित्योहम मुक्तो हम शुद्धो हम बुद्धो शिवो शिवो। अपने भीतर सब प्रकार की पूर्णता को जब हम अनुभव करते हैं तो हम पूर्ण काम हो जाते, अकाम अचा हो जाते, निष्काम आत्मकाम ब्रह्म काम हो जाते हैं। कामना ये तो हमें कामना पूरी हो जाते हैं तो हम अपने आप को सुखी अनुभव करते हैं, कामनाएं पूरी नहीं हो पाती है तो हम अपने आप को दुखी अनुभव करते हैं। हम कामनाओं से परे सत्ता संपत्ति सम्मान भौतिक सुखों और संबंधों की कामनाएं तो हमें दुख देती है। हम अकाम हो करके बस आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा दे रहा है उसके अनुरूप हमें बस भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए स्वयं को यंत्रवत अनुभव करते हुए निमित्त मात्र होकर के जीवन को जी, मस्तिष्क में जो ईश्वरीय ज्ञान है, हृदय में जो ईश्वरीय प्रेरणा है और पूरे अस्तित्व में जो ईश्वरीय सामर्थ्य है, बस उसको ईश्वरीय प्रेरणा के अनुरूप पुरुषार्थ में लगाना है। यही पुरुष का प्रयोजन है, जीवन का प्रयोजन है। इस भाव से सहज रहना, अपनी निजता अपने स्वरूप में, धीरे धीरे श्वास सूक्ष्म होते जाएंगे, हम अपने स्वरूप में खोते जाएंगे, प्रभु के साथ एकाकार होते जाएंगे,
भगवान की शरणागति में, भगवान के आलंबन में, भगवान के आश्रय में ऐसे कुछ समय बने रहते हैं तो अपने आप नींद आ जाती है, अनिद्रा मिट जाती है। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच आदि स्ट्रेस हार्मोन्स पूरी तरह से लेवल में आ जाते हैं। बीटा एंडोर्फिन, कैफीन आदि गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तनाव खत्म हो जाता है, अनिद्रा से मुक्त। तनाव से और उच्च रक्तचाप से मुक्ति की युक्ति है ये शवासन योग निद्रा। हृदय रोग अपने आप मिट जाते हैं जब हम सहज हो जाते हैं। सहज होने से हम अपने आप ही अनिद्रा से, तनाव से, उच्च रक्तचाप से, हृदय रोगों से मुक्त हो जाते हैं और स्वाभाविक रूप से हमें पीस ऑफ माइंड। जब अपनी सारी अविवेकपूर्ण इच्छाएं मिट जाती हैं, हम अचाह हो जाते हैं, अकाम हो जाते हैं, निष्काम हो जाते हैं, आत्म काम, ब्रह्म काम, पूर्ण काम हो जाते हैं, अपनी पूर्णता में जीने रखते हैं। जो अपनी पूर्णता में जीता है और अपना ही स्वरूप फिर सब में देखता है तो परस्परता में पूरकता हेतु विश्वबद्ध होता है। सह अस्तित्व और एकत्व के साथ सभी के साथ एकाकार हो जाता है, ब्रदरहुड, कोएक्जिस्टेंस एंड वननेस, एक ही सच्चिदानंद परमात्मा सब में। भगवान से ही पूरा अस्तित्व उत्पन्न हुआ है, भगवान के नियंत्रण में ही सब कुछ चल रहा है और अंततः परमात्मा में ही सब कुछ समाहित हो जाता है। भगवान के विधान के अनुसार, यूनिवर्सल लॉ के अनुसार ये पूरा अस्तित्व चल रहा है। मैं इसमें एक इकाई हूँ और मुझे भी भगवान के नियंत्रण में, भगवान के विधान में, भगवान के अनुशासन में जीना है। ऐसे हर पल जो भगवान की शरणागति में रहते उनके जीवन में अनिद्रा, तनाव, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मन की अशांति हो ही नहीं सकती। सदा आनंद में जीना है। जिनको अनिद्रा का रोग हो ऐसे सोते समय श्वासों पर ध्यान करना, श्वासों को ही आलंबन बना लेना, श्वासों पर ही ध्यान, अपने आप निद्रा आ जाए। जिनको बहुत तनाव रहता है, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मन की अशांति रहती है तो पीस ऑफ माइंड के लिए श्वासों को आलंबन बना, श्वास प्राण पवित्र है। प्राण रोगों के लिए औषध और योगियों के लिए तो ब्रह्म है, प्राण तो ब्रह्म है साक्षात। शरीर में, इंद्रियों में और मन में शुभ भी है, अशुभ भी है, ये निर्दोष भी है और इनमें दोष भी है, लेकिन प्राण पूरी तरह से निर्दोष है, पूरी तरह से। प्राण की शरणागति में हम सब दोषों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे श्वासों पर ध्यान करते हुए और गहरा अभ्यास करना हो तो कुछ पलों तक हृदय में अंगुष्ठ मात्र पुरुषयंत्रात्मा सदा जननम हृदय समेष्ट हृदय आत्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु गुरुतिष्ठति। दोनों स्तरों के मध्य हृदय चक्र में कुछ पलों तक ऐसे ध्यान करना, अपने स्वरूप में आनंद करना और हृदय के साथ आप आज्ञ चक्र में भी ऐसे अपने आप को टिका सकते हैं, अपने मन को टिका सकते हैं।
आज्ञा चक्र में, हृदय चक्र में अथवा कहीं किसी भी स्थान पर ऐसे मन को टिकाना और फिर पुनः ऊपर से लेकर के पूरे देह में एक शक्ति को अनुभव करना, ऊर्जा का अनुभव करना, और शक्ति और ऊर्जा का अनुभव करते हुए फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना और पूरे अस्तित्व में ऊर्जा का अनुभव करते हुए बाइक रॉट लेते हुए संसार के सभी व्यक्ति पूर्ण सुखी होना चाहते हैं। आखिर ये सुख की पूर्णता कहाँ है? कुछ लोग सत्ता, संपत्ति, सम्मान, भौतिक सुखों और संबंधों में ही सुख खोजते रहते हैं। मान सत्ता में सुख है, संपत्ति ऐश्वर्य में भी सुख है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा सम्मान मिलता उसमें भी व्यक्ति को क्षणिक सुख तो मिलता ही। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों का और मन के विषयों का भौतिक सुख भी, तभी तो सारी दुनिया इन सुखों के पीछे दौड़ रही है। संबंधों में भी सुख है, लेकिन ये सारे सुख क्षणिक सुख है, कुछ देर तक रहते हैं, स्थाई सुख नहीं। स्थाई सुख पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्थाई सुख पाने के लिए पहले तो हमें सुख की खोज करनी पड़ेगी कि आखिर सुख मिलता कहां से। हमारे पूर्वज ऋषियों ने सुख की खोज की और वो सुख के मूल में पहुंचे कि सुख कहां है, सुख की पूर्णता कहां है। तो सुख की पूर्णता है शून्य में, सुख की पूर्णता है मौन में, सुख की पूर्णता है समाधि में, समाधान में। ये मौन कैसे आए हमारे भीतर? ये शून्य, ये समाधि, ये समाधान कैसे घटित हुआ हमारे भीतर? उसकी प्रक्रिया है ये योग निद्रा। अनिद्रा, तनाव, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग के लिए तो राम बाण है ही, बहुत इफेक्टिव और एक साइंटिफिक प्रोसीजर है ये योग निद्रा। पीस ऑफ माइंड भी इससे मिलता है, लेकिन इस योग निद्रा का मकसद क्या है उसको मैं संक्षेप में कहूँ तो योग निद्रा हमें शून्य में लेकर के चली जाती है, मौन में लेकर के चली जाती है, जहाँ समाधि है, जहाँ समाधान है और जहाँ संपूर्णता है सब। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कुछ लोग समझते हैं कि हम सत्ता के शिखर पर पहुंच गए, हमने संपत्ति ऐश्वर्य पा लिया और दुनिया के सबसे श्रेष्ठ सम्मान पा लिया और चारों तरफ से भौतिक सुख है हमारे पास और संबंधों का सुख तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन याद रखना इनके शिखर सत्ता, संपत्ति, सम्मान, भौतिक सुख और संबंधों के शिखर पर जो लोग वो भी दुखी हो जाते हैं। जब तक व्यक्ति शून्य में, मौन में, समाधि में, समाधान में नहीं उतरेगा, स्वयं में नहीं उतरेगा, अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में जब तक वो नहीं उतरेगा तब तक पूरा सुखी नहीं हो सकता। आइए अपनी पूर्णता में,
समाधान में, समाधि में, मौन में, गहरे शून्य में, जहाँ आत्मा और परमात्मा का एक अदृश्य पूर्ण सत्य अस्तित्व है, वहाँ तक हम पहुँचे और स्वयं में समष्टि को और संपूर्ण समाधान को अनुभव करें। तो जो योग निद्रा करेंगे उनको ये पूर्ण सुख मिलेगा, उनके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि होगी, सफलता होगी, वे भीतर से पूर्ण शांत और बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहेंगे। ये है योग निद्रा और यह है सच्चा योग, जो आपको भीतर से पूर्ण विश्रांति देता है और बाहर से आपको पूरी तरह से परिश्रमी बनाता है, श्रमशील बनाता है। और इसी में जीवन की सब प्रकार की पूर्णता है। हम स्वयं में रह करके इस समष्टि के साथ जब एकाकार होकर के जीते हैं, तब जीवन का हमें सच्चा सुख मिलता है। योग निद्रा करने से आपको इस सात्विक शून्य में प्रवेश का मार्ग मिल जाता है। आप भीतर से पूर्ण शांत रहते हुए बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहते हैं, सुखी भी रहते हैं और समृद्ध भी रहते हैं। सबको सुख चाहिए, सबको समृद्धि चाहिए, सबको सफलता चाहिए, और ये मिलेगी केवल मात्र योग से। कीजिए योग निद्रा, रहिए सदा सुखी, समृद्ध और जीवन में पाइए सब प्रकार की सफलता।